इनकी सरकार में बस केवल काम नहीं है, जुमलेबाजी है। तीन महीने पे एक बार मिलता था, वो भी 6 रुपए 60 पैसे के हिसाब से मिलता था। जो भाजपा ही गुंडा है सब वही चल रहे हैं। जो गुंडा हो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, सारे पाप धुल जाएंगे उसके। नहीं, खुश मोदी से हैं, ये योगी से नहीं है जी। भक्त जो घूम रहे हैं, जो कटोरा पकड़ेंगे, जो अब सपा वाले पकड़े हैं वो कटोरा ये लोग पकड़ेंगे, ये मोदी भक्त हैं। तो नमस्कार, हम एक बार फिर से लेके आ गए हैं क्या बोलती पब्लिक। और आज हम आ गए हैं जनेश्वर मिश्र पार्क के बाहर। यहाँ पे बहुत सुबह सुबह बहुत भीड़ हो रही है, बहुत लोग घूमने आए क्योंकि ठंड का मौसम है और हल्की हल्की बदरी है, हल्का हल्का धूप है, हल्का हल्का ठंड है और लोग अपने अपने में बिजी हैं। तो आज हम यहीं पर करेंगे कि क्या बोलती पब्लिक। तो कुछ लोगों से हम आइए पूछते हैं कि पब्लिक क्या बोलती है। 2022 का जो मिशन सब कर रहे हैं उसी के लिए ये कार्यक्रम शुरू हुआ है कि क्या बोलती पब्लिक। अब पब्लिक को ये बताना है कि इन 5 सालों में कुछ विकास वगैरह हुआ या नहीं हुआ है। काफ़ी कुछ विकास हुआ है, यूपी का जो विकास है वो वास्तव में फाइनल वो बहुत बढ़िया विकास है और हम योगी जी के साथ हैं। योगी जी के साथ हैं बिल्कुल श्योर। लेकिन आप जनेश्वर पार्क घूम रहे हैं, यहाँ सुना है ये पार्क किसी और ने बनवाया था। वो पार्क से क्या मतलब है, आप रोडे देखिए, उस जो सुविधाएं हैं वो देखिए, वो कितनी बढ़िया सुविधाएं की है योगी। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें मतलब हवा हवाई बातें होती, सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। हम राजस्थान से हैं, यूपी की, राजस्थान से हैं, हम राजस्थान से हैं, बाकी हम यूपी की अभी की प्रेजेंट की जो पॉपुलेशन और हर तरीके से जो सुविधाएं देख रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। पिछले 10 सालों के बाद ये हम ये चाहते हैं कि वापिस योगी जी आए। क्या बोलती पब्लिक में जो 2022 का जो मिशन है इसे कौन जीतने वाला है? माननीय अखिलेश यादव जी। माननीय अखिलेश यादव जी, ऐसा क्यों, ऐसा क्या लगता है आप लोग? उनके समय में युवाओं को हर तरह की सुविधा मिलती थी, रोजगार मिलता था और युवा उनसे खुश था। लेकिन इनकी सरकार में बस केवल काम नहीं है, जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है सर, जुमलेबाजी है सर। आपका क्या नाम है? मेरा प्रमोद कुमार नाम है। क्या आपको क्या लगता है, ये सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है? सरकार बढ़िया काम कर रही है, ये कह रहे हैं जुमलेबाजों की सरकार है। अब उनका सोचना अपना है, जुमलेबाजी की क्या, सरकार काम कर रही है, दिख रहा है सबको राशन मिल रहा है। देखिए सब क्या है ना कि इनकी सरकार में बस केवल जाति और धर्म की राजनीति होती है। अभी तो आपने कहा जुमलेबाजी हो रही है, अब आप बदल गए तुरंत। नहीं, जुमलेबाजी तो अलग बात हो गई, जाति और धर्म पे लोग बांट रहे हैं केवल लोगों को। ठीक है, तो क्या नाम है आपको पूरा? सुरेंद्र कुमार। आप बताइए सर, कुछ कह रहे हैं ये जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं? ये जुमलेबाजी थोड़ी हो रही, जुमलेबाजी होती तो राशन सबको मिल रहा है फ्री में, और सब पूरी जनता जो है खुश है। सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे? वादे जो किया उसने पूरे कर रहे हैं। सर देखिए, 5 साल बीत गए लगभग, 4.5 साल, आज तक पब्लिक को इन्हें राशन नहीं मिला। जब चुनाव पास में आ गया तब इन्होंने राशन की बात की। लेकिन राशन तो सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से आया, नहीं कोई भी सरकार फ्री नहीं देती है। हाँ वो बात सही है, लेकिन जो मिलता पहले भी मिलता था राशन सरकार में, सपा के शासन में, तो 3 महीने पे 1 बार मिलता था, वो भी 6 रुपए 60 पैसे के हिसाब से मिलता था। आप बताइए सर, देखिए क्या है, जैसे इन्होंने कहा कि 6 रुपए 60 पैसे मिलता था, तो जो भी कुछ था पहले सबको बराबर मिलता था। अभी क्या है कि जिन लोगों का सिस्टम है, पहुंच है, उन लोगों को मिल रहा, जिन लोगों का नहीं है, जिनके घर में बोलेरो है, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, उन लोगों को राशन मिल रहा, जो गरीब है उसको पूरा नहीं मिल रहा जितना गरीब तक पहुंचना चाहिए। ना ना ना, ये तो हो ही नहीं सकता, जिसका आधार लिंक है और जो देहात में जाके सर्वे कर लीजिए, देहातों में सबको मिल रहा है। जो पहले के राशन कार्ड थे, जैसे जो पात्र हो गए उनको कटना चाहिए, जो अपात्र हैं। ये इनका कहना साफ साफ है, जिनके पास गाड़ियां हैं उन्हें राशन नहीं मिलना चाहिए, वो गरीब नहीं है। नहीं है, बिल्कुल गरीब नहीं है सर, अगर बोलेरो है उनके पास तो गरीब नहीं है, जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। वैसे इंडिया में कोई गरीब नहीं है, ये भारत देश में हमारे कोई गरीब नहीं है, क्योंकि जो अगर 15 से 20 हज़ार का मोबाइल चला सकता है तो वो गरीब नहीं है। हाँ ये बात तो है, लेकिन फिर भी जो है, जो 10 हज़ार में नौकरी कर रहा है, 15 हज़ार में नौकरी कर रहा है, उसे खर्चा कैसे चलाएगा अपना है? तो उसके उसके लिए तो ये सुविधा ही है एक तरह की। सर बात रही राशन की, तो जैसे मान लीजिए आज तेल दिया जा रहा फ्री में, तो क्या है जब कोविड आया था तब तेल नहीं गवर्नमेंट दे सकती थी? तब भी तो दे सकती थी ना। नहीं तो ये रिफाइंड की जो बात हो रही है आपकी, समझो वो तो ये 3 महीने वो इन्होंने देने की बात कही है, उसके पहले थोड़ी देने की बात कही है। आज
राशन जैसे तेल नमक जो भी मिल रहा है, ये जब कोविड का समय था तब गरीब जनता को उस समय भी मिलना चाहिए था ना। आज चुनाव आ गया है 2 महीने पहले 3 महीने पहले तो ये राशन के साथ तेल भी देने चालू कर दी, ये कौन सी बात हुई बताओ भैया। अब हाँ वो बात तो ठीक है लेकिन दे रही सरकार तो क्या दिक्कत है। 5 रुपए का नमक है सर और उसमें 10 रुपए उसकी लागत है पॉलीथीन में, मोदी जी की और योगी जी की फोटो छपवाई, वो पैसा किसका है? वो पैसा किसका है? आखिर वो पैसा तो जनता का ही है ना, तो क्या सादे पेपर पे नहीं, वो सादे पॉलीथीन पे नहीं कर सकते थे? और एक तरफ ये भी तो पॉइंट है, देखो ये जहाँ जो सही कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं लेकिन 2022 का मिशन आपके हिसाब से जो है अखिलेश जी जितना जीतने वाले हैं और आपके हिसाब से योगी जी आएंगे, दोबारा योगी जी आएंगे, तो ये तो समय ही बताएगा। और हम तो इसीलिए ओपिनियन पे निकले ही हैं कि क्या बोलती पब्लिक, और भी लोगों से पूछते हैं। सर आप बता सकते हैं कुछ कि सरकार कुछ मौजूदा सरकार जो है वो कुछ काम वाम कर रही है नहीं कर रही है? कुछ नहीं काम कर रही है। क्या काम कर रही है आप बताओ, विकास हम कैसे बताएं? अभी आपको बताना है, नहीं आप ही पूछ रहे हैं तो क्या काम किए। ये सही भाई बोले इन्होंने, जात पात कर रही हो, हिंदू मुस्लिम कर रही है आज तक की, जबकि यहाँ पे इतना था नहीं जब से ये सरकार रही। खाली देखो सिर्फ हिंदू मुस्लिम है हर जगह, इलेक्शन भी हिंदू मुस्लिम कर दिए। अच्छा कुछ चीज़ें जो चेंज करी हैं वो क्या चेंज किए बताइए, चेंज क्या हुआ आप बताइए, आप बताइए हमें, आप बताइए, चेंज पूछेंगे तो बताएंगे ना। कुछ चीजें जो ढंग की करी हैं, जो चीजें लाइन पे लाए हैं, कुछ नहीं, गुंडागर्दी कम हुई, जो भाजपा ही गुंडा है सब वही चल रहे हैं, गुंडागर्दी कम होना चाहिए। सब पुरानी सरकार के जो गुंडे थे उनको जो बंद, अरे वो तो उनको खुन्नस अपनी निकाल रहे हैं। सर मेरी बात समझिए, जो गुंडा हो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, सारे पाप धुल जाएंगे उसके। जो गुंडा हो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, इनका ऐसा कहना है, और उसके पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले, उसकी सारी पुलिस स्टेशन चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं भाजपा के अलावा, अपने ही केस वापस ले लिया, अपने मुकदमे वापस ले लिए, तो वो गुंडागर्दी क्या खत्म कर पाएंगे? खुद मुख्यमंत्री के ऊपर है 74 केस, बात तो ये भी है। अखिलेश यादव जी के ऊपर एक भी केस है? अब ये भी बात सत्य है, इसमें तो कुछ कोई कह ही नहीं सकता। जो इनको जो लोग कह रहे हैं हमें यही पूछना है कि क्या बोलती पब्लिक में, और पब्लिक का क्या है, पब्लिक को जिधर से दिखाया जाता है पब्लिक वो बोलती, जो बोलने वाले वही बोल पाएंगे, सब आदमी बोल नहीं सकते उसमें, जो बोलने वाले हैं वही बोल पाएंगे। हम कुछ लोगों से पूछते हैं क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं, और हम कुछ दुकानदारों से पूछते हैं, सुबह सुबह का टाइम है। तो दादा क्या नाम है आप? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। यहाँ पे दुकान आपकी कब से है? दुकान तो साहब बहुत पहले थी, 2 साल हो गए, कोरोना में बंद थी, अब खुली है। अच्छा तो 2022 का जो मिशन है ये कौन जीत सकता है, ये आपको कैसे लग रहा है? अब ये तो फिर पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मौजूदा सरकार कुछ काम वाम कर रही है नहीं कर रही है? सरकार तो काम नहीं कर रही है, राशन बढ़ रहा भैया, काम तो हम लोगों रोजी रोटी चली गई, कुछ काम नहीं हो पा रहा है। ये तो सरकार की देन है कि अभी पार्क में तो बैठे हैं, रोटी दाल कहाँ मिले, 5 किलो राशन मिलता वो भी तेल 450 रुपये, 270 रुपये किलो बिक रहा कड़वा तेल। मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही ऐसा इनका कहना है, तो क्या आप बोलती पब्लिक में, और भी पब्लिक हमारे बीच आ चुकी है, तो सर क्या करते हैं आप? हम BTC किए हैं 2017 बैच के हैं। अच्छा, और ये जो सरकार है भर्ती नहीं निकाल रही है, काफ़ी 21 लाख लोग हो गए हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं रोज़ 17,000 का बयान दे रहे हैं, 21 लाख लोग हैं, और 17,000 में क्या होगा हम लोगों का, 17,000 में क्या होगा, 21 लाख लोग हो चुके हैं, आपकी भी दुविधा है, और आप क्या कहना चाहते हैं सर इसके बारे में? क्या कहें, सभी लोग तो बेरोजगार बैठे हैं, जहां तक देखा जा रहा है कि यहां की ये जो सरकार है उस तरह से जो शिक्षित वर्ग के स्टूडेंट हैं उनको उस तरह सा रोजगार नहीं प्रदान कर पा रही है। अच्छा जी, तो ऐसा क्यों, मतलब क्या लगता है इस बार 2022 में कुछ? बिल्कुल है सर, ये तो है कि सत्ता बिल्कुल पलटेगा, सत्ता पलट सकती है 2022 में, तो जो सरकार सत्ता पे है वो भी याद रखे। और सर क्या करते हैं आप? हम किसानी खेती करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा भी किसानों को चल रहा था जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि इस बार 2022 में किसान बहुत परेशान है जी, हम जिला रायबरेली के रहने वाले हैं जी, यहीं बछराओं के पास पड़ता है। हाँ हाँ, किसान बहुत परेशान, 50 किलो वाली खाद 45 किलो हो गई, मिलती नहीं किसानों को, बहुत समस्या, नहर 1 महीना पहले बंद हो गया, 1 महीना बाद भी नहीं पानी पहुंच पाया, किसान बहुत परेशान है, जानवरों ऊपर से सब छोड़ दिया है, बहुत दिक्कत है, किसान बहुत परेशान है। तो इस बार 2022 में क्या तख्ता पलट हो सकता है? बिल्कुल, अगले सरकार आएगी, उन्होंने किसानों की सिंचाई माफ़ किया, किसान साल के 12 महीना नहर चलते थे, कोई प्रकार की समस्या किसानों के लिए नहीं होती थी। तो इस सरकार से ये किसान है, लेकिन कुछ सरकार से खुश है किसान? तो नहीं, खुश मोदी से हैं, ये योगी से नहीं है जी। अच्छा, मोदी जी से आप हैं लेकिन योगी जी से बिल्कुल, क्यों?
लेकिन लोग तो कह रहे हैं डबल इंजन, डबल इंजन वाला गड़बड़ सरकार है। यहाँ यूपी में अखिलेश और वहाँ मोदी चाहिए जी, जहाँ देश वहाँ हम वहाँ सब। जहाँ देश की बात है वहाँ मोदी जी चाहिए, हाँ जी। और उत्तर प्रदेश की बात है तो अखिलेश जी चाहिए। अखिलेश जी विकास पुरुष है, सारा काम उन्हीं का है, सब दिख रहा है। एम्बुलेंस, आगरा एक्सप्रेस, मेट्रो व्यवस्था, सारी व्यवस्था तो अखिलेश ने, स्टेडियम बच्चों के लिए सब तो अखिलेश ने किया है। और अभी सरकार ने कुछ नहीं किया, क्या किया? एम्बुलेंस का डीजल भी नहीं पूरा हो पाया 2 साल पहले, तो देख लीजिए आप लोग, गरीबों की जो एम्बुलेंस गरीबों की चल रही देहातों में, देहातों में जो एम्बुलेंस चल रही थी उसका डीजल तक पूर्ति नहीं कर पा रही है सरकार, इनका कहना है। और भी लोगों से पूछते हैं कुछ कि 2022 में क्या बोलती पब्लिक। ये कुछ यहाँ पर रोजगार कुछ लड़के खड़े हैं, उनसे भी हम कुछ पूछेंगे। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुजाउल है। क्या करते हैं आप? अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? सर बताना तो यही चाहेंगे कि आप खुद ही देख रहे हैं आज कितने बेरोजगार टहल रहे हैं। बेरोजगार टहल रहे हैं, ये भी बात सही, इसीलिए पार्क बनवाए गए ताकि बेरोजगार आए पार्कों में घूमें। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप ये सर एक हिसाब से विकास है यहाँ पे। सर कितने लोग, आप खुद देखिए कितने लोगों को रोज़गार मिला इस पार्क से। रिवर फ्रंट हो गया, जनेश्वर पार्क हो गया, कितने लोगों को रोज़गार मिला है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सब बर्बाद कर रहे हैं ये सारे रोज़गार। जितना बर्बाद करो, जितनी यहाँ की पार्कें थी सबके ऊपर ये उनके ऊपर बैठा के वो अपनी ब्रांच है, क्राइम ब्रांच बैठा लें कि ये कि यहाँ घोटाला हुआ है, ये हुआ है, उस चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। जो चीज़ विकास है उसको ख़राब कर रहे हैं। आपको देखिए लखनऊ मेट्रो बनी थी, जहाँ से बनी थी वहीं पर ख़त्म है, उसके आगे कुछ भी नहीं काम हुआ है। उसके आगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कानपुर में जो खुल गई है वो, कानपुर में शुरुआत किसने की थी? अखिलेश ने तो उसकी शुरुआत की थी ना। तो शुरुआत तो आखिरी महीनों में सब आदमी कर दे रहा है, इन्होंने भी तो बहुत सारी चीज़ें शिलान्यास कर दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। अगर अगली सरकार आएगी तो ये भी वही कहेंगे कि फीता काट सरकार है। शिलान्यास कब कर रहे हैं, जब ये खाली शिलान्यास ही कर रहे हैं ना, और तो कुछ बनाने तो अखिलेश जी ने भी तो यही करा था अगर लोगों का मानना है। अखिलेश जी ने क्या किया, आप खुद पूरा घूम आइए, सबसे पूछ लिया कि इतना विकास उन्होंने किया है, स्टेडियम बनाया, मेट्रो किया दो, और इतने देखिए अखिलेश जी से बहुत खुश हैं ये, और ये लोग चाहते हैं कि अखिलेश भैया की सरकार आए, लेकिन इनका ये भी मानना है केंद्र में जो है मोदी जी की सरकार बनी रहे। हाँ बनी रहे, वहाँ जरूरी है, जहाँ मोदी जरूरी, जब तक जिंदा रहेगा वो बना रहेगा। जब तक मोदी जिंदा रहे तब तक मोदी जी की प्रधानमंत्री का कहना है। बछनावा जिला रायबरेली के रहने वाले इंदिरा जी का क्षेत्र है, 60 वर्ष प्रधानमंत्री हमारे जिला से रहा है कांग्रेस का, जितना काम नहीं किया इतना अखिलेश ने किया है रायबरेली की धरती में साहब देखा जाए। तो भैया अगर ये सरकार तक आवाज़ पहुंच रही है तो योगी जी भी सुन ले, है ना? आपका यही कहना है, यही कहना है जी। अगर या तो आने वाले 5 साल में अगर सरकार बनती है तो रायबरेली जिला में आपको विकास चाहिए, विकास 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 चाहिए। मेन मुद्दा जो बेरोजगारी और विकास का है, इसी पे हर आदमी त्रस्त है, और महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, तो हम और लोगों से पूछेंगे। तो हम लोग अभी आ गए हैं जनरेशन मिश्र पार्क के अंदर, और यहाँ पर सैलानी बहुत सारे हैं जो कि बाहर से भी घूमने वाले बहुत लोग आए हैं, लेकिन इन्हीं से बात करेंगे कि क्या बोलती पब्लिक में। सर आप सबका स्वागत है, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग कलकत्ता से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अतनु मित्रा। अच्छा सर, तो क्या लगता है आपको लखनऊ में कुछ विकास वगैरह दिख रहा है? हाँ जरूर, बहुत कुछ दिख रहे हैं, विकास वगैरह दिख रहे हैं, जरूर दिख रहे हैं। पहले जो आए थे उसके बाद से आज का आज अभी जो दिख रहे हैं इसमें काफ़ी सारा अंतर नजर आ रहा है। कितने सालों बाद आ पाए हैं? करीब 15 साल बाद। अच्छा 15 साल बाद आए हैं, तो क्या लग रहा है मौजूदा सरकार या ये जो पार्क आप घूम रहे हैं, ये तो जनेश्वर पार्क समाजवादी उसमें बना था जी। लेकिन अभी क्या लगता है कुछ विकास वगैरह और बढ़िया हुआ है? हाँ हाँ काम तो हो रहे हैं, काम तो चारों ओर हो रहे हैं। मैम आप बताइए आपको कैसा लगा? अच्छा तो लगा है, और ये मैं पहली बार आई हूँ तो ये तो हम बता नहीं सकते कि पहले क्या था। अच्छा तो अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है। सर आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा लखनऊ से हैं, तो फिर बढ़िया है कि आप बता सकते हैं कि ये 2022 का जो मिशन जब चल रहा है जी। इस मिशन को कौन जीतने वाला है या कुछ विकास वगैरह दिखा है इन 5 सालों में? भाजपा ही जीतेगी, इतने अच्छे काम किए हैं उन्होंने। अच्छा। गुंडागर्दी ख़त्म की है, महिलाओं के लिए बड़ा अच्छी व्यवस्था है हर चीज़ की, तो जो व्यवस्था अच्छी करेगा और डेवलपमेंट करेगा देश के लिए वो तो आना ही आना उसको। और ये जो पार्क जिन्होंने बनवाया था वो भी दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, हमने बहुत सारी चीज़ें करी महिलाओं के लिए, 1090 जैसे बनाया तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई, तो वो उनके होने के बाद भी उनके ग्रुप उनके पार्टी में बहुत सारे माफियाज थे। अच्छा तो माफियाओं के राज्य में आप क्या समझते हैं कि कैसा रहता है शासन? वो तो टिकट ही माफियाओं को देते थे।
ये देखिए इन्होंने बोल ही दिया, ये क्या बोलती पब्लिक, इन्होंने बोल दिया कि वो टिकट जो है माफियाओं को देते थे, तो कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहना चाहते कि आप ये पार्क भी माफियागिरी में बन गया? नहीं, पार्क और डेवलपमेंट है, और कुछ डेवलपमेंट तो उन्होंने भी किया है, मेट्रो बनाई, बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, बहुत अच्छे काम भी किए हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम पूछते हैं। सर आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ विकास वगैरह यहाँ हुआ है? हमें तो नहीं, कुछ नया लग रहा है। कुछ नया नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? हमें नया नहीं लग रहा है कुछ। अच्छा, नया कुछ नहीं लग रहा है इन पाँच सालों में, कुछ नहीं चल रहा है। तो अभी 2022 में किसकी सरकार बन सकती है? वो तो अखिलेश भैया की बनेगी भाई, अखिलेश भैया की सरकार बनेगी, भैया की बनेगी और गैर मांगे मंगेगी। अच्छा, धुआंधार हो के, धुआंधार मतलब क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं? अब सीटें तो नहीं क्लियर है, अखिलेश भैया की सरकार बनेगी, अखिलेश भैया की सरकार बनेगी इनका ऐसा कहना है। जनेश्वर पार्क में खड़े हैं तो भाई उनका बनवाया हुआ पार्क है, तो लोग कह भी सकते हैं, और लोगों से हम पूछ सकते हैं, और लोगों से पूछेंगे। सर आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से, तो आपको क्या लगता है इन पाँच सालों में कुछ काम वगैरह हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? तो ये अभी एक भाई साहब हैं, ये बता रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आ सकती है, तो आप अखिलेश की सरकार आ सकती है ना, वो तो समय बताएगा किसकी सरकार आएगी। अच्छा, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए, क्या कहें? यही पूछ रहे हैं हम, जो इनसे पूछा हमने कि सरकार किसकी बन सकती है? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी, ऐसा क्यों? अच्छा, विकास का नाम, लेकिन विकास का टेका इन्होंने ले रखा है। अच्छा है भैया, ये मोदी भक्त है, ये मोदी भक्त है, ये मोदी भक्त है, तो आप क्या अखिलेश भक्त है? नहीं, अखिलेश भक्त नहीं है, ये काम बोलता है, ये काम बोलता है, तो विकास, ये सबका साथ सबका विकास कैसे किया? ये सपा साफ हो गई, अब सपा नहीं रह गई। सपा साफ हो गई, वो तो अब आने वाले वक्त पता चलेगा ना, वो तो चल रहा है, इतना सारा पैसा निकला है समाजवादियों ने बताया कुछ। हाँ, इधर पास आ जाइए, समाजवादी इतने में इतना पैसा निकल रहा है, नोट मशीनें थक गई नोट गिनते गिनते, अब क्या चाहते हैं आप बताइए? अभी तक नहीं निकला है, अब पैसा लग रहा है, जब इलेक्शन टाइम आ गया अभी तक नहीं निकला कुछ पैसा ऐसा। अब पैसा तो निकला है, कहीं से भी निकला हो, निकला तो है, उसकी जांच होना चाहिए ना। उन्हीं के क्षेत्र से निकला, वो भी उन्हीं के क्षेत्र से निकला, सपा के क्षेत्र से, कन्नौज से, कन्नौज से निकला है, जहाँ पे माननीय, नहीं नहीं, वो तो पता चलेगा ना, उसकी जांच चलेगी तो पता चलेगा, अभी इस क्या बोलने से फायदा है? नहीं मतलब निकला है, कुछ ना कुछ तो निकला है भैया, ये कुछ नहीं है, ढाई सौ करोड़ माने रखते हैं, अगर ये 250 करोड़ कहीं सरकार में टैक्स जमा होता तो गरीबों में और भला होता, भला होता और गरीबों का अच्छा होता। जो भक्त जो घूम रहे हैं, जो कटोरा पकड़ेंगे, जो अब सपा वाले पकड़े हैं, वो कटोरा ये लोग पकड़ेंगे, यही पकड़े रहेंगे हमेशा सपा वाले। अच्छा, इन्होंने देखिए एक तरफ कह भी दिया कि सपा वाले कटोरा पकड़े हुए हैं, मतलब कटोरा, वो कटोरा अब ये पकड़ेंगे। अच्छा, वो अब ये पकड़ेंगे, तो और भी लोग हैं हमारे साथ, और भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, पार्क में बहुत भीड़ हो रही है। हम कुछ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी कुछ पूछेंगे कि कैसा, क्या लगता है मैम आपको कि इस बार 2022 में किसकी सरकार आ सकती है? कह तो कुछ नहीं सकते, इस तरह मोदी जी चल रहे हैं, मोदी जी की उम्मीद है। योगी जी की सरकार दोबारा बन सकती है? कुछ पाँच सालों में विकास विकास दिखाया नहीं? नहीं दिखा, बिल्कुल दिखा है। महिलाओं के लिए अच्छा कुछ कानून आए हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं? देखिए, हम किसी भी राजनीति में बहुत ज़्यादा हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जो भी सरकार आती कुछ ना कुछ अच्छा खराब करती, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है पूरी तरह से, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन महिलाओं के लिए जो बच्चों लड़कियों के लिए जो हुआ है, 18 से 21 साल उम्र हो गई शादी की, उस पर कुछ कहना चाहेंगी? वो अच्छा तो हुआ है या बुरा हुआ है वो तो परिस्थिति पर निर्भर करता है, 18 से 21 साल क्या मतलब है? मतलब लड़कियों को पढ़ने का, बढ़ने का, करियर बनाने का कुछ मौका मिल रहा है? बिल्कुल, वो तो मिलना ही चाहिए, अगर ऐसा कर रहा है इस तरह से, इस पे सारे लोग खड़े उतरते तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, और ये क्या बोलती पब्लिक में ऐसे ही और भी लोगों से मिलते रहेंगे, अभी हमें कुछ महिलाओं से ही मौका मिला, लेकिन